आपका क्या ख्याल है कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू तो ये है कि अगर एक लड़की काम करती है तो लड़का जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा करता है, और थोड़ी सी अगर वो इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा बहुत अगर वो अपना कमाए, तो मर्द जो है ना वो फिर शायद दो दफा सोचता है कुछ भंड करने से या कहने से पहले। आपका क्या इसमें? नहीं नहीं, मर्द मर्द होता है और वो एक ही तरह सोचता है। Oh my God. God help us. ये औरत पर है कि वो अपने आप को कैसे लेकर चलती है। औरत अगर अपनी वर्थ जानती है तो सबसे पहले तो अपने घर को मजबूत कर ले, उसके बाद बाहर उसने जो करना है ना, स्काई इज द लिमिट, वो कुछ भी करे। और एक चीज और कह दूं कि महबूबा में और बीवी में हमेशा फर्क रहता है। अगर कोई महबूबा बीवी बन जाएगी तो फिर वो महबूबा नहीं रहेगी। ये चीजें उसको समझ लेने की जरूरत है। ओह गॉड, अब ये चॉइस है कि किसने जिम्मेदारी लेनी है और बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है, ये किसी ने महबूबा की हद में रहना है खाली। लेकिन मुझे लगता है कि लड़की को बीवी बनना चाहिए। बिल्कुल, जो बीवी बन के कॉन्फिडेंस आता है ना, और ये जो हैंकी पैंकी जिंदगी में चल रही होती है, औरत बड़ी बुर्दबार होती है। कुर्बानी तो एक अलग एक उसका एंगल है, लेकिन मैं समझती हूँ औरत बहुत ज्यादा समझदार होती है, बुर्दबार होती है। वो जितने अच्छे तरीके से चीजों को ले जा सकती है, वो सलाहियत सिर्फ उसी के पास मौजूद है। कहते हैं ना कि जो द फैब्रिक ऑफ आर सोसाइटी इज एक्चुअली डिक्टेटेड, शुड बी डिक्टेटेड बाय वुमेन, लेकिन पाकिस्तान में आई फील हमारी, पता नहीं क्यों हमें बेचारी कह के साइड पे डाल दिया गया है कि औरत बेचारी। औरत मर्द हिल नहीं सकता बीवी के, उसे वो बेचारा बता वो जी मैं तो दूसरी अम्मी कहती हूँ, बेगम जो है दो अम्मी है, उसे बेचारा लड़ रहा होता है। सच बता रही हूँ। अच्छा, मेरा एक और एंगल है, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की। मेरा एंगल ये कि क्योंकि उन्होंने औरत को सप्रेस करना है, तो आप किसी के दिमाग को कंट्रोल कर लीजिए, जिंदगी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। जब वो पैदा होने से लेके जवान होने तक, बुढ़ापे तक बेचारी 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 लफ्ज सुनेगी तो उसको लगेगा शायद मैं बेचारी हूं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है ना, उसको उसके दिमाग को कैप्चर करने के लिए, तो सबसे पहले तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप इनको नो कहिए। वो बेचारी है नहीं, लेकिन बेचारी कहलाई जा रही है। तो दो धारी तलवार हो गई औरत। यही तो मैं फरमा रही हूं, ऑनेस्टली जब वो साबित कर रही है ना, अब जब कोमल वो अपने आप को साबित कर रही है कि मैं कौन हूं, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि अपनी इज्जत को बचाए या अपनी बका को बचाए। बका की जंग लड़े या अना की जंग लड़े। कहती बेचारी हूं मैं तो कुछ भी कर सकती हूं, तो वो तो कुछ भी करने पे, ऑनेस्टली मैं मजाक के अलावा बात कर रही हूं, हम लोग बाहर जाते हैं, आप भी बाहर जाते हैं बहुत, जो घर में रहने वाली खवातीन है वो नहीं मान, लोग मुझे कहते हैं आप खवातीन के खिलाफ बात क्यों करती हैं, मैंने कहा मैं खवातीन के खिलाफ नहीं हूं, कोशिश करते हैं कि सच बोले, कोशिश करते हैं। मैंने अपने लिए खुद ही एक स्लोगन बनाया हुआ आ गया, आई ट्राई नॉट टू लाई, ट्राई, आई डोंट से दैट आई डोंट लाई, दैट वुड बी अ लाई, दैट वुड बी अ बिगेस्ट लाई, आई ट्राई नॉट टू लाई। लेकिन औरत का हमारे मुल्क में स्टेटस अब, प्लीज डोंट से दैट। लेकिन हम देखें एक, आई एग्री विद यू 100%, बट कहीं कहीं अगर है हमारा मेजोरिटी जो तबका है वो चाहता है कि औरत औरत का मकाम जो है वो इक्वल, एंड आई डोंट मीन इक्वल इन मेनी वेज, आई मीन इन सम वेज, कभी ना हो, कोई ना, वो कभी इंडिपेंडेंट ना हो, कभी वो अपना हुनर अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहन सकती। किसने कहा? कोमल वो बोलती नहीं है, लोग नजर आते हैं, वो बड़ी समझदारी से वो सब कुछ कर कर दिखाती है जो करती है। मेरे पास शेल्टर होम में जब वनी और कारोकारी औरत जो वहां से भाग के निकल कर आती है, तो मैं कहती हूँ ये तो मरने से नहीं डरती, इन दोनों चीजों में इसकी जान को खतरा होता है, लेकिन वो वहां से निकल कर आती है ना, सफर करके यहाँ तक आती है। अब तो खैर वो केसेस देखने पे आ गए हैं कि पहले कहते थे ना कि मर्द मारते हैं, अब औरतों ने इतनी इतनी बोटियां भी की हैं, और ये सारे केसेस सब रिपोर्टेड हैं, ये मीडिया पे सारे चल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि औरत बेचारी नहीं है, उसकी एक बड़ी खूबसूरत पोजीशन है हमारे माशरे में, क्या पूरी दुनिया में औरत की एक बहुत अच्छी जगह है, उसको उसकी जगह दे दो, ताकि ना वो कंपटीशन करे, ना वो आपके पैरों से नीचे से जमीन को खींचे। उसकी अपनी जमीन है, उसका अपना आसमान है, उसकी अपनी जात से अपना ही कंपटीशन है, उसका किसी मर्द से कोई कंपटीशन है ही नहीं। कोई बेटा आके मुझे बता दे कि वो अपनी माँ से कॉम्पिटिशन कर सकता है तो मैं मान जाऊं, माँ है तो औरत ही। क्या हर शख्स को अपनी जगह मिले? व्हाई ओनली औरत? किसी के पास भी अपनी जगह नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवर राइट्स, वी नेवर टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज, माइंड इट। हर शख्स, हर जी शऊर, जानवर, इंसान, बच्चा, बड़ा, जो जान रखता है,
अगर अपनी ड्यूटी दे देना, अपनी ड्यूटी जो सचमुच की है, तो किसी को अपने राइट किसी को राइट के लिए लड़ना ही ना पड़े। हमने जो जगह औरत इस वक्त जबरदस्ती ले रही है उसमें इससे बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, उससे इसी से तो हुई है, इसी से औरत बेचारी, उन्होंने सोचा हम बेचारी है, Now we can do anything we want. आपने वो केस देखा कि जिस वक्त they have nothing to lose. जी जी, जो एक केस हुआ था कि जिसमें वो दुकान में घुसती हैं और फिर वहां से वो डकैती करती हैं और फिर उसके बाद वो अपना औरत कार्ड खेलती हैं, खुद ही अपना लिबास उतारती हैं, और जैसे मर्दों का है कोमल कि मर्द जब स्नैचिंग या कुछ करते हैं तो उनके पीछे पीछे सारे उनके बैकअप प्लान्स होते हैं, इसी तरह इसका बैकअप प्लान था कि एक औरत जिसको पकड़ लिया गया है, अब मैं इस तरह से आऊं, और यहाँ पे कहते हैं मर्द हैरेसमेंट करते हैं, औरत की हैरेसमेंट ऐसी होती है कि मर्द को जमीन के नीचे जगह न मिले, और छोड़ा उन्होंने, ये नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान है कहने का, मुझे जवाब दीजिए अब आलिया, मैं मेरा सवाल है, बिल्कुल सही, क्या ये औरत को बेचारी 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 कहने का नुकसान नहीं हुआ कि उसने कहा मैं तो बेचारी हूँ, औरत का खेलो, अब देखो मैं क्या करती हूँ, बेसिकली ये बैकफायर कर रहे हैं मर्द हजरात, ये बेचारी बेचारी कहना बैकफायर कर रहा है। हर शख्स अगर अपनी जगह पे रहे तो बस ठीक है। हमारे वालिद कहा करते थे, उन्होंने कहा दो मुहावरों को तो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया ना, मुहावरे तो ऑलवेज राइट, ठीक है, उन्होंने कहा जी जहाँ दो बर्तन होंगे वहां इससे रेलिवेंट ना समझे, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं बेवकूफी है, एक टोकरे में बर्तन धो के अगर आप डाल देंगे यूं ऊपर नीचे, नीचे से मग चाहिए होगा तो ऊपर की प्लेट तो टूटेगी, इतने अच्छे अच्छे स्टैंड आए में लगाए ना ढंग से, हिम्मत करें ना थोड़ी, हम असल में ना हम स्टैंड खरीदने मेहनत से घबरा गई है, और डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, इंसान को आपको इंसान की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एक गुनाह अगर मर्द करता है तो उसके लिए ये कहा जाए कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला ना कहो, वही गुनाह वही गलती अगर औरत से हो तो उसको ये कहा जाए कि शीशे में एक दफा बाल आ जाए तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। आप जब ये डबल स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो इनसिक्योरिटीज पैदा होंगी। अब तो बाल अल्लाह ने जब अशफुल मखलूकात रब ने कहा तो उसने ये नहीं कहा कि मर्द अशफुल मखलूकात है और औरत अशफुल मखलूकात नहीं है, उसने इंसान कहकर मुखातिब किया दोनों को।